चार दोस्त एक लंबे सफर पे निकलते हैं। जंगल से गुजरते वक्त एक पेड़ के नीचे उन्हें हड्डियों का एक ढेर दिखता है। उसे देखकर उनमें से एक साथी बाकियों से कहता है, दोस्तों ये हमारे ज्ञान को परखने का अच्छा मौका है। ये हड्डियां शायद किसी जानवर की हैं, क्यों ना हम अपनी शक्तियों से इसे जिंदा करके देखें। पहला साथी कहता है, ठीक है, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को कंकाल का रूप दे देता हूं। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ा और उन हड्डियों को आज्ञा दी कि वो आपस में एक कंकाल का रूप ले लें। फिर दूसरे दोस्त ने अपना मंत्र पढ़ के आदेश दिया कि उस कंकाल में खून और मांस भर जाए और वो चमड़े से ढक जाए। तीसरा साथी उस मुर्दे जानवर में जान डालने के लिए अभी खड़ा ही हुआ था कि चौथा आदमी चिल्लाया, रुको, ये एक शेर की लाश है, अगर ये जिंदा हो गया तो हम सबको मार देगा। तीसरा साथी कहता है, अरे बेवकूफ, ज्ञान और विद्या से तुम्हारा क्या नाता, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी इस विद्या को परखने का मौका जाने दूंगा, बेहतर यही होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। चौथा दोस्त चिल्लाया, एक मिनट रुको, और वो तुरंत बगल वाले पेड़ पर चढ़ गया। तीनों दोस्त अपने इस चौथे साथी पे हंस रहे थे। इसके बाद तीसरे साथी ने उस मुर्दा शेर में जान डाली। जिंदा होते ही शेर ने उन तीनों पर झपट्टा मारा और उन्हें खा गया। ज्ञान एक शक्ति है और हमें इसको सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान का गलत इस्तेमाल हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ज्ञान का सही उपयोग हमारा जीवन संवार सकता है। ज्ञान को इस तरीके से इस्तेमाल करना जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो, इसे ही समझदारी या विजडम कहते हैं। समझदार बनने के लिए हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपने ज्ञान को जीवन में अमल करना चाहिए और अपने हर अनुभव से सबक लेना चाहिए। आजकल लोगों के पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन समझदारी की कमी है। उनका ज्ञान उन्हें खुशी के बजाय परेशानी दे रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही कहा था, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सो इज अ लॉट, यानी कम ज्ञान का होना खतरनाक हो सकता है और ज्यादा ज्ञान का होना। इसलिए सिर्फ ज्ञानी ना बने, बुद्धिमान बने।